आज की इस वीडियो में हम सीमेंटो कैप्सूल के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसका उपयोग पुरुषों में यौन से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। और भी बहुत सारे इस कैप्सूल के फायदे हैं, तो इस वीडियो में हम इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीमेंटो कैप्सूल के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। सीमेंटो कैप्सूल के बारे में बात कर तो एमिल फार्मास्यूटिकल कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक शिप में 20 कैप्सूल आते हैं, जिनका MRP 289 होता है। अब सबसे पहले हम सीमेंटो कैप्सूल के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। फायदों के बारे में बात कर तो सीमेंटो कैप्सूल का यूज इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। पुरुषों द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए लिंग में उत्तेजना पाने या उत्तेजना को बनाए रखने में कठिनता होती है, तो इस समस्या को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। अगर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कुछ लक्षणों के बारे में बात कर तो जिनमें लिंग में उत्तेजना लाने में परेशानी होती है, यौन गतिविधियों के दौरान उत्तेजना को बनाए रखने में कठिनता होती है, काम इच्छा का कम होना, समय से पहले संकलन का हो जाना, संकलन में देरी का होना, पर्याप्त उत्तेजना होने के बाद भी संभोग का सुख प्राप्त न होना, यह कुछ लक्षण हैं जो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के समय दिखाई दे सकते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को ठीक करने के लिए भी सीमेंटो कैप्सूल का यूज लिया जाता है। और बात कर तो इस कैप्सूल का यूज पुरुषों में यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और बात कर तो इस कैप्सूल का यूज पुरुषों में बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और बात कर तो इस कैप्सूल का यूज किसी चोट के कारण होने वाली सूजन को कम करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और बात कर तो इस कैप्सूल का यूज पेशाब से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और बात कर तो इस कैप्सूल का यूज महिलाओं में दूध के स्त्राव को बढ़ाने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और बात करें तो इस कैप्सूल का यूज प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए भी यूज में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे सीमेंटो कैप्सूल के कुछ फायदे। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस कैप्सूल का यूज किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए यूज मिले। अब फायदे जानने के बाद हम सीमेंटो कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर तो शरीर की असामान्य गतिविधियों का होना, सिर में दर्द का होना, दिल का तेजी से धड़कना, अनिद्रा का होना, यह कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब साइड इफेक्ट्स जानने के बाद हम सीमेंटो कैप्सूल की इंट्रेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कौन सी दवाइयों के साथ सीमेंटो कैप्सूल का यूज नहीं करना है। इंट्रेक्शंस के बारे में बात कर तो एमीट्रिप्टेलिन, मिथाइल डोपा, फेनिलजीन, यह कुछ दवाएं हैं जो आपने सीमेंटो कैप्सूल के साथ यूज नहीं करनी है। अब वीडियो के लास्ट में हम सीमेंटो कैप्सूल की डोज के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी मात्रा में इस कैप्सूल को लेना होता है। डोज के बारे में बात कर तो इस कैप्सूल को खाना खाने के बाद यूज करना होता है और इस कैप्सूल को आप दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं और इस कैप्सूल को आपने गुनगुने पानी के साथ लेना होता है और इस कैप्सूल को आप लंबे समय तक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी सीमेंटो कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।